तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल अ मास ऑब्जर्व फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट इज़ फाउंड टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो देखो, एक टेबल है, इस टेबल पे एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है। यहाँ पर एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, दिस इज द सर्कल इन विच ए पार्टिकल इज मूविंग। तो वो है, और यहाँ पर एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, और ये यहाँ पे कुछ रेडियस आर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर ये पार्टिकल सर्कल में चल रहा है जिसकी कुछ रेडियस आर यहाँ पर है, ऑलरेडी मेंशन है, तो अब यहाँ पर तुम देखोगे एम मास और एम मास ये, और सिंस ये पार्टिकल सर्कल में चल रहा है और इसको मैं इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करता हूँ। इनर्शियल फ्रेम मतलब ग्राउंड या टेबल से ही देखता हूँ, पार्टिकल पे चढ़ के नहीं देखता हूँ। पार्टिकल पे चढ़ के देखूंगा तो ये शुड हो जाएगा, मतलब मैं इस टेबल से देखता हूँ या मैं ग्राउंड से देखता हूँ तो सिचुएशन क्या होगा। तो वहाँ पे मुझे ये पार्टिकल सर्कल में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से लगता है, मतलब अगर मैं पार्टिकल पे ही चढ़ के देखूँ तो पार्टिकल पे एक सूडो फोर्स लगाऊंगा, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होगी सेंटर से बाहर होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर होगी, ठीक है, अगर ये ओमेगा से घूम रहा तो। लेकिन जब मैं इनर्शियल फ्रेम से देखूंगा तो सूडो फोर्स की जो वैल्यू है वो मैं लगाऊंगा ही नहीं, कुल मिला के कितना भाई, जीरो। तो सूडो फोर्स मैं लगाऊंगा ही नहीं, मतलब जीरो अप्लाई करूंगा। दैट इज डी ऑप्शन सही है, वी कैन नॉट अप्लाई सूडो फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम। थैंक यू।